अभी कहीं दोबारा ही ना बैठा हो। यहाँ पर जानवर आके जैसे बारिश हो रही हो या कुछ हो रही हो, यहाँ बैठा हुआ तो है। ये ऊपर से शेर ने भगाया है इसे। आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा कि शेर गांव में एक टाइगर आ गया था और कैसे उसे वहाँ से भगाया गया। तो अब वक्त था दोस्तों इस राज को और गहराई से जानने का, इस राज के और करीब जानने का। तो एक बार मैं और मेरी टीम फिर पहुँच चुके थे शेर गांव में, शेर के बहुत करीब। शेर गांव में आ गए हैं दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर टाइगर छुप सकता है। कैसे आया था मैंने आपको दिखा दिया, कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे, और मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। खंडर बने हुए हैं और टाइगर कहीं भी बैठ के रह सकता है। तो जब यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो उसकी मूवमेंट भी यहाँ से हो सकती है। ये पूरी वही जगह और मेरे पीछे पूरा गांव, और यहाँ कहीं कैमरा लगा हुआ है। इसमें भी दिखाया था ना मैंने आपको, वो लगा हुआ कैमरा फॉरेस्ट वालों का। क्या हाल है, नमस्ते, क्या हाल चाल है शेखर जी? ठीक ठाक हो आप? क्या रहा उसके बाद? ना उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं। अब ये लगा कैमरा, ऐसे दोनों जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो ये रास्ता है, दो जगह कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं हट गया, मैंने बेकार में क्यों उनके फुटेज में कोई परेशानी हो। तो ऊपर से नीचे आया हुआ टाइगर यकीनन, लेकिन पगमार्ग उसका कोई नहीं है। कैटरपिलर है ही सांप है, ये कैटरपिलर चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये सांबर है, ये डर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल सामने सांबर आ रहे हैं हमारे, इतने बड़े हैं। इसके ही पंजा मार रखा है, इस पे देखो पंजा मार रखा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है सांबर। पूछ खड़ी भी इनकी, रात में परेशान कर रहे थे। भाग गए ऊपर को, बच्चे जा रहे हैं यहाँ से। टाइगर नहीं है, मंत्र गुस्से में सांबर देखने के लिए। क्यों आएगा टाइगर, ऐसे थोड़ी ना आएगा। जा रहे रोड की वजह से नहीं जा रहे बेटा, वो ऊपर रोड है इस वजह से नहीं जा रहे। इसके ऊपर रोड है दोस्तों, उसके बाद में जंगल है। ये बीच कैसा है, बिल्कुल मेरे करीब आ गए। तो यहाँ पर सांबर आ गए थे बिल्कुल हमारे करीब ही। अब वो शेखर जी जो है यहाँ गांव में जो अंदर रहते हैं साइड में, वो उनको भगाने के लिए गए। वो कहते हैं कि ये भी आ गया, बिल्कुल पास आ गया मेरा सांबर। ये ऊपर से शेर ने भगाया है इसे, इस तरफ से तो इस तरफ आया है ये। जो कैसे देख रहा है, बिल्कुल चेहरा उठा के देख रहा है। सर को भी देख के अच्छा खासा डर लगने लगता है, उसका इतना भैंसे ही बड़ा सांबर होता। लोग आ रहे थे, ये भी डर जाएंगे। तो चल रहे हैं, पीछे किसी ने टाइगर की वीडियो बनाई थी, उनसे टाइगर की वीडियो देखते हैं और कैसे क्या मूवमेंट है टाइगर का हमें पता चलेगा। हम शेर गांव में घूम रहे हैं, तो गांव भी एक बार नज़र दिखा दो कि कैसा गांव है और कैसी जगह पे लोकेशन पर खड़ा है।
अब वो शेखर भी उधर सांबर को भगाने चले गए, अंदर गांव वाले हैं दोस्तों, अंदर चले जाते हैं, इनका सामान वगैरह खराब भी कर देते हैं ये, घुस खा जाएंगे, इनकी खेती खराब कर देंगे वगैरह रखी भी है। कमरे में वो था, उस कमरे की छत पे ये खड़े थे, इसकी सीढ़ियां तो थी इसके मुंह के ठीक सामने, तो हम लोगों को डर भी लग रहा था, वीडियो नहीं बना पाएंगे, कहीं ऊपर को ना जाए, अपनी जान बचाए, अपनी जान बचाने के लिए पीछे भाग रहे थे भाई। इसका साइज देखा था आपने, कितना बड़ा था बेटा, साइज तो काफी बड़ा था सर, क्या बताऊं, 5 से 7 फीट का था। अच्छा जी, गुर्राता जब भागा तो दिल लग गया, निकला मैंने तो 11 साल में पहली बार देखा टाइगर, लेपर्ड टाइम को तो बहुत देख लिया है, लेकिन टाइगर पहली बार। अच्छा, जैसे कहीं आसपास लेपर्ड देखा है आपने कभी, ऐसा हुआ आपने सामने हुआ लेपर्ड से? हमने सामने तो नहीं हुआ लेकिन नजदीक से देख चुका हूं। अच्छा, बहुत डर लगा, 11 साल में पहली बार देखा ऐसा, वो भी गुर्राता हुआ भागता हुआ, निकला तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी खतरनाक पेंटिंग वाले ने पेंट करके भेजा हो, पेंट करके भेजा, इतना धुला हुआ साफ सुथरा। आओ, तो ये एक प्रॉपर्टी में जा रहे हैं जहाँ पर वो टाइगर की लोकेशन थी, नया बन रहा ये जगह है, से निकल के वो ये पूरा तोड़ दिया। अच्छा, झाड़ियाँ साफ कर दी टाइगर की वजह से, क्या? हाँ, वो टायर की वजह से ही, टायर की वजह से लगवाए, कैमरे भी लगे हुए हैं, जंगलात वाले कैमरे भी लगा दिए। हाँ, और कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रही थी यार, डर है ना लोगों को, काफी हैवी टायर था, हाँ बड़ा टायर था, हमने देखा उसके पंजे वंजे के निशान। हाँ, मैंने 11 साल में पहली बार देखा। अच्छा जी, इन्होंने 11 साल में सफारी पे नहीं देखते थे हम टाइगर, सफारी पे नहीं, वैसे वीडियो देखी है लेकिन लाइव जो देखा पहली बार देखा अपनी नजदीक। और ऐसे मजेदार दिखाया उसने अपने आप को, कोई हद नहीं है। जब वहां से लगे ना ईटा मारा छत के ऊपर, तो यहां से कौन सी छत पे खड़े हुए थे आप लोग? हम उस छत पे खड़े हुए थे, उस पे खड़े हुए लड़के, उस पे खड़े हुए थे हम लोग, ये वाली पे थे क्योंकि अच्छा दिख रहा था हमारे पास, ये रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, खंडरात है ये, किस के खंड खंडर है ये, बाहर के कोई लोग यहां पे खड़े होकर वो वीडियो बनी है हट हट जो कर रहे थे ना, और वो भागा किस तरफ से था? ये वाले जो पत्ते पड़े हुए हैं ना, हाँ ये पत्ते उसने तोड़ के डाले थे, हाँ पहले यहाँ पे बैठा था, उसके बाद जब उसने देखा उधर से भी लोग आ गए थे, हम इसके ऊपर भी बोल रहे थे, तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से इसके अंदर चला गया। अच्छा जी, इसके अंदर आके बैठ गया था वो टाइगर, इसके अंदर आके बैठ गया था, फिर इधर से पास में लोग रहते वहाँ से वो निकल गया। ये तो आधा बंद था, फिर नीचे हो गया, अबे कहीं दोबारा ही ना बैठा हो, यहाँ पर जानवर आके जैसे बारिश हो रही हो या कुछ हो रही हो, यहाँ बैठा हुआ था लाइट जलाना है। अच्छा जी, वो मेरे हिसाब से ये उसके अंदर का, जो आप जहाँ पे खड़ो के देख रहे हैं लोग ऊपर चिल्ला रहे हैं, ये उसके अंदर का है, यहाँ से निकल गया उधर गया था, ऊपर उसमें झपटा गया, जब वो यहाँ से फिर इसके अंदर आ गया। अच्छा जी, नहीं वो झपट तो गुर्राता हुआ आया, चार्ज करता हुआ आधे घंटे रहा उसके अंदर, आधे घंटे रहा, फिर वो यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठा, काफी अच्छी जगह मिली थी उसको बैठने के लिए, क्योंकि इतनी बढ़िया जगह कहीं नहीं मिल सकती टाइगर को। हाँ, खुली वो यहाँ पे बैठा रही है, जब लोगों ने उसके ऊपर ईटा मारा तो यहाँ से फिर हू की आवाज निकल गई, तब यहाँ से भागा सीधे, यहाँ से इधर निकला था। अच्छा, दिल धक गया होगा, वीडियो में तो इतनी ऐसी आई नहीं, यहाँ से जब निकल के भागा तो हम लोगों ने सोचा सीढ़ी के ऊपर ना जाए सीधे, क्योंकि खड़े हुए थे ऊपर काफी लोग, और बिल्कुल सामने से निकल के भागा आपके, भागा था ये, बहुत लंबी लंबी झाड़ियाँ थी, यहाँ से सीधे उसने उसमें गड्ढे पे डीप लगाई, उसने सोचा भाई ये तो ये भी नहीं दिख रही थी, हाँ ये तो झाड़ी काट दी ना झाड़ियाँ, ये भी नहीं दिख रही थी, यहाँ से निकल रहा रास्ता था ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, और उन्होंने शेखर जी ने देखा सबसे पहले टाइगर मारा, फिर तो वो गड्ढे के अंदर कूदा, तो वहाँ से पानी पानी हो गया था ऊपर, आगे की तरफ चले, फिर वहाँ से रिटर्न हुआ। तुमने जो वीडियो बनाई थी इस गड्ढे की बनाई थी, ये बारिश का गड्ढा है, और वो कोसी की तरफ गया था, वो गया कि किसकी तरफ से देखा, पगमार्क देख रहा हूँ मैं, पगमार्क है सांबर डियर वगैरह के तो है, अभी पता चल जाएगा,
दोबारा आया नहीं, हालांकि कैमरा फॉरेस्ट वालों ने वो लगा रखे हैं कैमरे। यहाँ से आइएगा, चले आगे तक चले, वो जो वीडियो थी वो यहाँ की थी। और मिट्टी ऐसी हो रही है फिसलने वाली, ये देखिए पॉइंट यहाँ से भागा था वो निकल के होम करता हुआ, उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि कोई हद नहीं, जब कोई पास से सुन लेना तो पैरालाइज अटैक भी आ सकता है उसे। टाइगर की रोर 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है जंगल में, तो आपने वीडियो में उसकी रोर सुनी होगी। ये मैं उसको भी अंदर से दिखा रहा हूँ आपको कि जहाँ से वो भागा है, पगमाग देखते हुए चलना। यहाँ लोगों के घर हैं तो पीछे, यहाँ से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, सीधे यहाँ से निकला एंड तक देखें, यहाँ तक तो स्लो स्पीड पर आया था। यहाँ पे जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वहाँ पे उसने स्क्रू किए थे पंजे, फिंगर के स्क्रू किए वहाँ पे, काफी बड़े लगे। कहाँ है देखें, अभी तो नहीं देखे सर, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जोड़ दिया है ना सर। अच्छा, तो भाई बता रहे हैं जब जंगलात वालों ने कहा लोग खड़े हुए थे। अच्छा जी, जब लोगों ने उन्होंने बताया, एक मिनट पकड़ना है, चलो। अच्छा, तो भाई बता रहे हैं जब जंगलात वालों ने कहा यहाँ लोग खड़े हुए थे इधर, घर वाले ना यहाँ पे, ये पानी में जो बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे? यहीं पे खड़ा हुआ था टाइगर, फॉरेस्ट वालों ने बोला कि भाई लोगों यहाँ से तुम लोग हटो, टाइगर का जाने का रास्ता ही है ये। जब भी उन्होंने बोला तभी उस कमरे के अंदर से निकल के उसने सीधे यहीं पे डीप मारी पहले, और ये हटे और फिर निकल के भागा वो, ये यहाँ से हटे, वरना एक हाथ को लपेट सकता था, एक हाथ को ले जाना उठा के। अरे भाई साहब, टाइगर का ओरा बड़ा खतरनाक होता है। मैं नीचे पगमार, तो शायद बारिश हुई है 3 दिन, तो सब पगमार लगा रखे हैं अभी भी। भाई देखो कैमरे लगे हुए, ट्रैपिंग कैमरे देखो, एक वहाँ लगा हुआ है और मैंने ऊपर भी दिखाया था। तो ये सीन होता है, ऐसे ट्रैप करा जाता है टाइगर के मूवमेंट को, तो उसके सामने से गुजरा ही ऑटोमेटिकली उसका फोटो खींच लेंगे। और ये क्या करते हैं, हाँ हाँ, लाइव चल रहा होगा या वैसे ये लाइव नहीं चल रहा होगा? चल रहा है अभी भी, हमको देख रहा होगा। नहीं नहीं, लाइव नहीं, इसके अंदर क्या होता है, कैमरे के अंदर बैटरी लगती है, कार्ड निकाल के लेके जाते होंगे वो आगे जंगलात वाले। और ये बहुत मुश्किल काम है कैमरा ट्रैपिंग, भाई इनको बेचारों को जंगल, ये तो फिर भी एक जगह थी, फार्म था, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इनको जंगल के अंदर भी लगाने पड़ते हैं और हर 12 घंटे बाद बैटरी चेंज होती है। अब ये पता नहीं कौन सा, क्योंकि इसमें मुझे और कोई वायर तो दिख नहीं रहा। टाइगर के लिए काफी अच्छी जगह, सेफ जगह मिली थी, टाइगर बहुत बढ़िया जगह मिल गई थी इसको। हाँ, ये जगह बना रहा था वो रहने की, 2-2.5 घंटे बैठा हुआ था जब उसने देखा कि काफी लोग। सर बता, मैं मेरे हिसाब से ये जगह टाइगर की होगी, वो चुपचाप आता होगा क्योंकि 6 बजे देखा था उस दिन उन्होंने, काफी जंगली जंगल। सुनिए, यह पूरे में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां थी जैसे हमने दिखाया था, अब देखो इन्होंने बिल्कुल चटियल मैदान कर दिया है। और ये जो जगह थी टाइगर के आराम करने की, एक गुफा बना रखी थी उसने। अब मान लीजिए जैसे बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इन जगहों पे खंडरों में आके टाइगर बैठ जाता है, बस ये वजह थी टाइगर। अच्छा, उस दिन के बाद से हो सकता है पता नहीं चल पाया हो, ऐसे तो सर किसी को नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उसकी अगर परमानेंट जगह होगी तो आता होगा। हाँ, तो बाद में ये ट्रैपिंग कैमरा जब ये देख रहे होंगे तब उसमें पता चलेगा कि वो कब आया कब नहीं आया, क्योंकि जब आपने काट कूट दिए सब चीजें तो अब टाइगर नहीं आएगा। नहीं यार, टाइगर अपनी जगह नहीं भूलता है दोस्तों, टाइगर की टेरिटरी है, हो सकता दोबारा भी आ जाए। हाँ हाँ, और क्या, जंगल में कहीं मिलती नहीं है टाइगर को, टाइगर को जंगल में जगह नहीं मिलती। उसने सैंड मार्किंग भी कर रखी थी, उसकी यूरिन की स्मेल भी हमने लास्ट टाइम सूंघी है। तो ये वाकई में बहुत प्यारी जगह भी है, लेकिन इतनी खतरनाक भी लग रही है। टाइगर के का एहसास रहता है मौजूद, ऐसा लगता है कहीं से भी कभी भी आ जाएगा टाइगर। मैंने तो 11 साल में पहली बार देखा इतना हैवी टाइगर, इतना हैवी टाइगर, मजेदार, मजा आ गए, ऐसा लग रहा है सपना है जैसे। बाकी लोग तो सब डर ही रहते, लेकिन मैं तो फिर भी थोड़ा सा वीडियो बनाई मैंने, वही वीडियो वायरल हो गई, इन्हीं की वीडियो वायरल हुई थी दोस्तों। नहीं, वो दूसरी वीडियो थी, इन्होंने भी वाली, इन्होंने तो बहुत करीब से बनाई, इन्होंने और करीब से बनाई वो वीडियो। हाँ, ये शटियल इन्होंने कर दिया अब उसे, जैसे अगर टाइगर को भी जो जगह चाहिए होती है शांति की, वो चाहिए होती है छुपने वाली, कमरे के अंदर कुछ नहीं है, खाली था कमरा तो। हाँ, तो उसको एक अच्छी जगह मिल गई थी बैठने के लिए, वो बेचारा आगे की तरफ गया खाने की तलाश में, वहाँ उसको देख लिया गया। और है ना, थकान वकान सब दूर कर देता है वो। भाई ने कहा कि पहली बार देखा इन्होंने 11 साल में, इतने खुश हुए टाइगर को देख के। अरे घुर्राहट के बारे में थोड़ा सा बता दो भाई, घुर्राहट ऐसे आवाज निकाली, रू करके निकाली थी आवाज, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऊपर लगा दी, और दिल हिल रहा होगा, काफी तेज हिल रहा था, देखा दोस्तों। लेकिन पहली बार लाइफ में ऐसा मंजर देखा था कि वो कमरे के अंदर से निकला, फिर उसके बाद उसने डीप मारी पानी के अंदर, पानी से निकल के रिटर्न आया, रिटर्न निकल के फिर नदी की तरफ गया, जबरदस्त पहली बार ऐसा देखा था भाई, देखने लायक मंजर था। वीडियो बनाई थी मैंने, फोन नहीं निकल पाया इतनी जल्दी, काफी फिर भी काफी आ गया था मेरी वीडियो में टाइगर, बाकी किसी की वीडियो में नहीं आ पाया। लेकिन भाई साहब, वो चीज जो आपने देख ली ना, लोगों को नसीब नहीं होती है बहुत टाइम तक। तो ये थे हमारे भाई, इनके साथ आए हम इस लोकेशन पे,
और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना ताकि आगे भी लोगों को पता चल सके जंगल के बारे में और इस किस्से के बारे में। और टाइगर जो है दोस्तों हालांकि छुप के रहता है। अब ये जो जगह थी यहाँ घास बड़ी बड़ी हो रही थी तो इन्होंने क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ट्रैक्टर बुला के जेसीबी बुला के पूरी जगह को एकदम फ्लैट करा दिया है। जो घासें थी बड़ी बड़ी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई वो काट दी। तो मेरे पीछे जो है टाइगर यहाँ आके बैठा था और ऊपर से ये लोग वीडियो बना रहे थे। तो असल में हुआ ये था उस दिन कि टाइगर का ये पहले से आता होगा यहाँ पर टाइगर चुपचाप पीछे कोसी रिवर से। तो वो आया, उसको एक अच्छी लोकेशन थी, वो आके बैठ गया पीछे और भूख लगी होगी तो बेचारा आगे की तरफ इस तरफ चला गया तो लोगों की नज़रों में आ गया। तो ये कहानी रही होगी उस दिन टाइगर के साथ जो बेचारा स्पॉट हो गया। फिलहाल अब कैमरे लगा रखे हैं फॉरेस्ट वालों ने, उसमें ट्रैप हुआ होगा, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे तो पता चलेगा दोबारा आया नहीं आया वो।